मुतल्लिक खबरों की शुरुआत करते हैं हरियाणा ही नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी खबर से, यानी कि लोकसभा चुनाव से। जमा सही कह रहे हो भाई, ये तो खाली हरियाणा ही नहीं पूरे देश में चल रही से लोकसभा चुनाव की रेलम रेल। बिल्कुल, वहीं बीजेपी अपने सभी लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर ताल ठोक रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जो दीपक बावरिया जी हैं, उनका कहना है कि बीजेपी के अंदर जो 6 लोकसभा प्रत्याशी वो कांग्रेस के हैं, और जो बाकी के उनके उम्मीदवार हैं वो काफी कमजोर हैं। बहुत कमजोर हैं, बीजेपी के पास तो कोई चेहरा भी नहीं है, 10 में से 6 तो पूर्व कांग्रेस मैन हैं। कांग्रेस पार्टी अपना संगठन नहीं बना पाई, तो ऐसी पार्टी का तो चुनाव में क्या हाल हो गया, आप समझ सकते हैं। समय आ गया है ये तख्ता पलटने का। भाई लागे से हरियाणा लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी का टूटा पड़ रहा से है, क्यों पलक झपकदी नहीं उससे पहले प्रत्याशी नहीं दिख जा है, है? पार्टी बदल रहे हैं, जितनी जल्दी पार्टी बदले है उतने तगाजे थे टिकट भी मिल जासे। वहीं कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के जो लोकसभा प्रत्याशी हैं उनके कांग्रेसी होने के आरोपों पर जो हरियाणा के पंचायत मंत्री है महिपाल डांडा, उन्होंने कहा कि उन नेताओं का कांग्रेस में दम घुट रहा था, इसलिए खुले हवा में सांस लेने के लिए वो बीजेपी में आए हैं। 10 की 10 सीटें, मुझे कहना ही नहीं, पूर्णता विश्वास है हरियाणा की जो स्वाभिमानी जनता है मोदी जी के साथ खड़ी है। अब भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा देती है, कैंडिडेट उधार लेती है। इनके पास तो कोई कैंडिडेट नहीं थे, कांग्रेस से उधार में लिए हुए थे, 6 कैंडिडेट तो कांग्रेस से है। भाजपा के पास कैंडिडेट नहीं है, कांग्रेस ही कह रहे थे हम 10 की 10 जीतेंगे, वो तो मजा नहीं छोड़ रहे भाई। कोई कह रहे थे 10 की 10, तो कोई कह रहे थे 10 में से 6 प्रत्याशी से उधार के, तो घने ना बोलो चुप रहो बस। कुछ इसी तरह का बयान दिया है हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने, उन्होंने कहा कि बीजेपी के 10 लोकसभा प्रत्याशियों में से 6 कांग्रेसी हैं। वहीं इनेलो के जो बड़े नेता हैं अभय सिंह चौटाला, उन्होंने कहा कि 400 पार का नारा देने वालों के पास अपने खुद के उम्मीदवार भी नहीं है लोकसभा चुनाव के लिए। भाजपा जो है जो 6 उम्मीदवार है किसके है, वो कांग्रेस के लिए रखे, तो मांगे उम्मीदवार ले रखे, कोई ईडी के दबाव में, कोई सीबीआई के दबाव में, कोई इनकम टैक्स के दबाव में। चौधरी रणजीत सिंह जी यहाँ से वोट जीतेंगे और जीत करके नरेंद्र मोदी। 10 की 10 लोकसभा की सीटें थी, कमल के फूल के ऊपर थी, अब भी बड़े मैंडेट के साथ 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीत। मुख्यमंत्री की बात में कोई दम नहीं है, भाजपा का दिवालिया फिट गया। जो 400 पार की बात करते हैं उनके पास उम्मीदवार नहीं है, सब किराए भाड़े के लिए रखे। भाई हरियाणा लोकसभा चुनाव जीतने खातर सारी पार्टी साम दाम दंड भेद इससे नीति पे चल रही है। वही हरियाणा कैबिनेट के मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि उन्होंने हताशा नजर आ रही है उनको कि हरियाणा की जो आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस है वो मिलकर भी कुछ कर पाएंगे या नहीं। की घबराहट है उनके या अपने केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर प्रसन्नचित है उनका, प्रकार के हताशा और निराशा कांग्रेस में है, मुझे लगता है मिलके भी कुछ कर सकते हैं। चुल्लू भर पानी में डूब कर भाजपा सरकार को मर जाना चाहिए। ये गमंडिया गठबंधन के लोग हैं, बीजेपी राज चलते वो सड़क पे चलते चलते कार्यकर्ता को चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। भाई हरियाणा लोकसभा चुनाव में राजनीति ने मिल रही से धार, और नेता अपने बयान करने लग रही से बोछार। वही हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम ने बीजेपी के जो लोकसभा प्रत्याशी 6 वो कांग्रेस से होने पर चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी अब नई कांग्रेस बन गई है। एक चीज साबित होगी कि भारतीय जनता पार्टी नई कांग्रेस बन गई, आज 6 उम्मीदवार 10 में से ऐसे हैं जो पुराने कांग्रेसी हैं, और 3 तो उनमें ऐसे हैं जो लोकदल से आए। उनको मैं एक सलाह देना चाहूंगा, वो अपनी पार्टी की चिंता करें, भारतीय जनता पार्टी की चिंता ना करें। बीजेपी इज न्यू कांग्रेस, वोट काट होगी कोई जगह नहीं है। हर राजनीतिक दल चुनाव लड़ने के लिए नहीं जीतने के लिए लड़ता है। ले भाई चुनाव आने से पहले वो काम हो लिया से एक दूसरे ने कोसन का। तो भाई जो जो चुनाव आओगे न्यू एक दूसरे ने कोसेंगे, चुनाव जान दे फिर कर लेंगे एक दूसरे के लिए गठजोड़। और भाई अपने हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम साहब बड़े कदाले छोटे, पूर्व डिप्टी सीएम साहब ने मलाल तो से क्यों बीजेपी ने 5 साल पूरे होने से पहले उनके लिए इतना बड़ा खेल जो कर दिया था। वही हिसार से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी रणजीत चौटाला ने कांग्रेस को एक तरह से चैलेंज दिया है, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भी उनके सामने उतर जाएं तो वो उन्हें हरा नहीं सकते। राहुल गांधी भी यहाँ चुनाव लड़ने वो भी नहीं जीतेंगे, राहुल गांधी भी यहाँ चुनाव लड़ने वो भी नहीं जीतेंगे। जो हमारे कैंडिडेट आएंगे तो भागते नजर आएंगे, तो भागते नजर आएंगे, तो भागते नजर आएंगे। चोर चोर मुसेरे भाई है, वो उसकी मदद करेगा, वो उसकी मदद, एक ही तो है, एक थैली के चट्टे बट्टे है। इतना बड़ा चैलेंज भाई रणजीत चौटाला साहब थे बीजेपी में जाए पाछे फुल जोश में से है? मतलब इतने बड़े नेता राहुल गांधी तो इन्हें चैलेंज करने लग रहे हैं।
वहीं बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी रणजीत चौटाला द्वारा ब्राह्मण समाज पर कमेंट करने को लेकर उन्होंने कहा कि वो ब्राह्मण समाज की बहुत इज्जत करते हैं, अगर गलती से उनके मुंह से कोई शब्द निकल गया तो वो शब्द वापस लेते हैं। मैं आज भी समाज के अग्रणी आदमी लोगों की इज्जत करता हूँ, कोई ऐसा शब्द निकला है तो अगर कुछ ऐसा महसूस है तो मैं उस शब्द को मेरा वापस लेता हूँ। मैं तो ये मानता हूँ 70 से ऊपर जितने कैंडिडेट हैं ये युवाओं को जिम्मेवारी लेनी थी। भाई बंदूक तो लिकड़ी और गोली और मुंह तो लिकड़ी और बोली, उल्टी न्याय कर दी। बाकी इसका फैसला तो ब्राह्मण समाज करेगा, कौन ना माफ करे ऐसा करना। और वो इनके जो पोते हैं ये अपने दुष्यंत चौटाला साहब, इन्हें बात कही है भाई 70 साल तक ऊपर जितने भी नेता से उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। तो इस हिसाब से इनके जो दादा से रणजीत चौटाला साहब उनकी उम्र भी तो 70 पारी से। फिर फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा ने जो रणजीत चौटाला है उनकी कमेंट के ऊपर कहा है कि ब्राह्मण टीम पंडित जी इस चीज का विरोध करती है, इस चीज की निंदा करती है। जो हिसार से भाजपा प्रत्याशी है उन्होंने जिस हिसाब से पूरे ब्राह्मण समाज के बारे में कहा, मैं अपनी तरफ से टीम पंडित जी की तरफ से अपनी पार्टी की तरफ से इसकी घोर निंदा करता हूँ। भाई हरियाणा लोकसभा चुनाव का दंगल और जनता करेगी किसका मंगल, यह देखने वाली बात होगी भाई।